इंडिया गॉट टैलेंट की विजेता रही इशिता विश्वकर्मा। मथुरा पहुंची, यहां उन्होंने सबसे पहले मां यमुना जी पर स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। इसके उन्होंने वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि वह मथुरा आकर भक्ति में लीन हो जाती है। मथुरा के मंदिरों में एक अलग ही भक्ति भाव नजर आता है। इशिता ने कहा कि वह मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए कई बार मथुरा आ चुकी है। पिछली बार मथुरा में आयोजित ब्रज उत्सव महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। लेकिन आज फिर से मथुरा गायत्री तपोभूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां आकर यमुना में स्नान करने के बाद बांके बिहारी के दर्शन किए हैं। इस दौरान इशिता विश्वकर्मा की मां तेजल विश्वकर्मा भी साथ मौजूद रही, जहां उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात साझा की। बता दें कि जबलपुर की रहने वाली इशिता विश्वकर्मा ने इंडिया गॉट टैलेंट का पहले रनअप का खिताब जीता था। इंडियाज गॉट टैलेंट के हर प्रतिभागी ने जजेस से लेकर दर्शकों के दिलों में अपनी प्रतिभा के बल पर अलग जगह बनाई थी। फिनाले के लिए 7 फाइनलिस्ट चुने गए थे। छोटी लता के नाम से मशहूर इशिता विश्वकर्मा को पहले रनअप का खिताब मिला। इशिता ने शहर के सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की है। उन्हें म्यूजिक की ट्रेनिंग उनकी मां तेजल से मिली है। उन्होंने 16 साल की उम्र में रियलिटी शो सारेगामा जीता था। इसके अलावा वे दिल है हिंदुस्तानी 2 और संगीत सम्राट जैसी रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुकी है। इशिता मप्र सरकार के लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रही है। जी मैम, आज आप जिस तरीके से मथुरा नगरी में, ब्रज नगरी में, तो कैसा लगा आपको मथुरा? सबसे पहले तो सभी मथुरा के वासियों को, वृंदावन के वासियों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और पहली बार नहीं आई हूँ, बहुत बार आई हूँ। बचपन में परिवार के साथ घूमने आ चुकी हूँ। पिछले वर्ष मुझे सौभाग्य मिला था ब्रज महोत्सव में गाने का और अपनी प्रस्तुति देने का, तो लोगों के लिए यहाँ अपने भजन भी प्रस्तुत कर चुकी हूँ। और आज तो इस बार आना हुआ यहाँ सभी दर्शक के लिए, और अपने गुरुधाम पधारने का सौभाग्य मिलता रहता है कभी कभी, तो यहाँ गायत्री तपोभूमि में आने का सौभाग्य मिला इस वर्ष। तो बस कुछ इसी तरह मथुरा के 2 दिन ऐसे बीत गए जल्दी जल्दी। और बहुत सुंदर शहर है, बहुत ही क्या बोले, अब शब्द का ख़त्म हो जाते हैं। आप कन्हैया की नगरी में हैं, जिसके बारे में जितना अच्छा बोल सके, पर यही है कि जीवन सफल है जब आप यहाँ की रज पे चल पा रहे हो, यहाँ की रज ले पा रहे हो, अपने माथे पर लगा पा रहे हो। बस यही सौभाग्य है। मथुरा में आपने क्या क्या घूमा मैम? बहुत सारी जगह, जब हम आए ही हैं यहाँ पे तो सबसे पहले हम यमुना जी के दर्शन के लिए गए, वहाँ स्नान के लिए गए, और उसके बाद बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। फिर जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो जिसको हम कहते हैं कि वृंदावन और मथुरा की गलियाँ, तो वहाँ घूमे और वहाँ का आनंद लिया। और 2 दिन में हम जितना कर सकते थे, जितना घूम सकते थे, पूरा पूरा प्रयास रहा। जैसे कि हमें पता है एक आप नामी हस्ती हो, नाम तो हम खैर आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि जनता आपको बढ़िया तरह से जानती है, तो कुछ आपने सारेगामा पा में जो 2019 में जो धमाल मचाए थे, तो थोड़ा सा कुछ दो कुछ पंक्ति आप जनता को सुनाने का कष्ट करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत सुंदर भजन है, सुबह से मेरे मन में चल रहा है, और हम हैं भी मथुरा जैसी नगरी में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो ये बहुत सुंदर सा भजन, उसकी कुछ लाइनें सुना दी। बड़ा नट खटे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नट खटे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, मैया रे लगा आपसे सुनकर। और हम आशा करेंगे कि आप इसी तरह से ऊंचाइयों को छूती रहें, हमारा आशीर्वाद शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और एक आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, आज की युवा जैसे कि मेहनत कर रही है, आप उनके प्रति क्या भावना रखती हैं और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी है, या मैं ये कहूँगी कि मेरे जितने भाई बहन हैं, साथ के सभी लोग हैं, उन सबको बस यही कहना चाहूँगी
हमें कभी पता नहीं होता कि हमारे लिए भगवान ने कब, किस प्रकार और किस रास्ते से कौन सी सफलता चुन रखी है। तो हमारा काम है प्रयास करते रहना, मेहनत करते रहना और हमेशा विश्वास रखना कि नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो जैसे कई बार मैं देखती हूँ, सुनती हूँ कि भाई भटक जाते हैं, या आजकल बड़े नए नए टर्म्स जो है मार्केट में आ गए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या फियर, ये जितने भी जो शब्द हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक मानसिक चीज़ है, सिर्फ आपकी सोच पे सब निर्भर करता है। तो बस मन पर नियंत्रण रखिए, और कोई भी जनरेशन लकी अनलकी नहीं होती। और आपको लगता है कि नहीं पहले का ज़माना अच्छा था या आने वाले 10 साल में अच्छा होगा, सिर्फ आप मन रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जनरेशन के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर जनरेशन की अपनी कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। तो बस सभी हिम्मत रखिए, सभी मेहनत करते रहिए और सही रास्ते पर चलते रहिए। निरंतर ये नहीं सोचिए कि ये रास्ता आपको कहाँ लेके जाएगा, कहाँ नहीं, और मंजिल अच्छी ही होगी। जितना मैंने अनुभव किया है अपनी 22 साल की ज़िंदगी में, उस हिसाब से तो मैं यही कह सकती हूँ। मैडम, जैसे कि आज अगर युवा पीढ़ी आपसे उम्मीद लगाए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके टच में भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जमीनी स्तर पे हैं, वो किसी कारण उठ नहीं पा रहे, अगर किसी तरह से आपको अगर मदद करनी पड़े तो आप उनकी मदद करेंगी या नहीं? बिल्कुल, आप मेरा सोशल मीडिया देख सकते हैं। कईयों बार ऐसा होता है कि मैं कई गाने शेयर कर देती हूँ लोगों के, जिनसे मेरी ना कोई जान पहचान है। आपने तो बोला कि भाई जिनका जिनकी पहचान हो, जो मुझे जानते हो, कई ऐसे लोगों का मैं देख लेती हूँ जो मुझे लगता है कि वाह भाई, भले ही साधन की कमी है पर साधना बहुत अच्छी है बच्चे की, या ऐसा। तो बिल्कुल मैं वो शेयर कर देती हूँ मेरे सोशल मीडिया पे, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी सब हैं, बिल्कुल उनसे मैं साझा करती हूँ। तो जो मेरी अभी जिस प्रकार की मेरी रीच है या जो मेरी पहचान है, उस हिसाब से जितना मुझसे हो सकता है बिल्कुल कोशिश करती हूँ। और अगर ईश्वर ने कभी बड़ा मुकाम दिया तो बड़े स्तर पर भी लोगों की, या मैं यूँ ये कह सकती हूँ कि कलाकारों की, जितना हो सके अपनी ओर से मदद करना चाहूँगी। चलो, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। जी मैम, आज आप जिस तरीके से मथुरा घूमना है, तो क्या कारण रहा? एक तो ये कारण रहा कि हम अभी मुंबई शिफ्ट हो गए हैं और जबलपुर हमारा होम टाउन है, और जबलपुर में दीपावली करके हमारे पास 2-3 दिन का समय था, तो इसका हम बहुत सदुपयोग करना चाहते थे और भाई दूज पे यमुना स्नान करना चाहते थे। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था इस बार मथुरा विजिट का। और मथुरा में जो है हमारा गुरुद्वारा है, मतलब हमने जो गुरु दीक्षा ली है हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, यहाँ पे तपोभूमि हमारी धर्मपुरी तपोभूमि, तो यहाँ हम 2-3 बार और आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी हमको विजिट करना था। और मथुरा वृंदावन में भी दर्शन करना था, यमुना स्नान करना था। बस यही कारण रहा कि इस बार हम जबलपुर से मथुरा। जिस तरीके से आपने मैम को इतनी बुलंदियों पर पहुँचाया, ऊँचाई पर पहुँचाया, तो क्या कहना चाहेंगी आप? एक्चुअली क्या है, मैंने उसको बुलंदियों पे नहीं पहुंचाया है। व्यक्ति क्या है, खुद अपनी मेहनत और अपनी तपस्या से ही आगे बढ़ सकता है। मेरा काम तो है बस उसको सपोर्ट करना, जो हर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अलग का सपोर्ट किया। अब उसको, उसने किस वे में लिया, कैसे मेहनत की, कितनी मेरी बात मानी, उस बातों को मान के उसने उस रास्ते पर चला, तो हो सकता है ये सब मिलजुल कर आज उसकी सफलता सबको दिख रही है। ये सभी बच्चों के लिए हैं, जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, उनके माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं या गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो निश्चित ही वो सफल होते हैं। मैडम, जिसकी हमने सुना है कि आप भी काजी हैं, और ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी पता लगकर कि आपने अपनी बेटी को कितनी बुलंदियों पर पहुँचाया, तो इसका मतलब जब बेटी के पास इतनी क्वालिटी है तो आपके पास तो कुछ और होगा। तो मैं भी ये चाहूँगा कि 2 पंक्तियाँ आपने सुनाई। जब श्री कृष्ण के धाम में आए हैं, हमारा तो मतलब किस्मत हमारी बहुत अच्छी है कि हर साल भगवान हमें कैसे भी बुलाते हैं अपने धाम में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,